अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट मोहम्मद यूनस। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की मेरी वीडियो जो है वो उन भाइयों के लिए है कि जो भाई नया नया कारोबार स्टार्ट करते हैं और जब कारोबार स्टार्ट करते हैं एक 10 दिन 15 दिन फर्ज कर लेंगे, एक दुकान चलाई है 10 दिन 15 दिन, कोई भी कारोबार है, ठीक है, कारोबार पहले आपको उसमें पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है, पैसा लगाते हैं उसके साथ आपको मशक्क़त दरकार होती है। लेकिन हमारे मुसलमान भाई जो भी हैं वो मशक्क़त करते नहीं हैं, पैसा लगाते नहीं हैं, मेहनत करते नहीं हैं और बाद में रिवार्ड अल्लाह से मांगते हैं, कहते हैं कि हमारा कारोबार नहीं चल रहा, ये हो गया वो हो गया, या दुकान 15 दिन किसी जगह पे बनाई है और वहाँ पे कोई गाहक नहीं आया या कारोबार सेट नहीं हुआ तो दुकान उठा के बदल लेनी है या वो जगह बदल लेनी है। मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका ईमान और आपका यकीन अल्लाह पर होना लाजमी है ताकि कल को आप जितनी कोशिश कर रहे हैं, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका रिवार्ड आपको अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। वो मेरे भाई जो मेहनत किए बगैर अल्लाह से उम्मीद लगा लेते हैं और कहते हैं कि हमें रिवार्ड नहीं मिला। कुछ लोग होते हैं कारोबार स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि यार हमने ये कारोबार स्टार्ट करना है, पता नहीं क्या बनेगा, चलेगा भी कि नहीं, पता नहीं गाहक आएंगे कि नहीं या दुकान चलेगी या नहीं। यार आप काम को शुरू तो करें, मेहनत तो करें, कोशिश तो करें, अल्लाह ताला रास्ते खुद ब खुद खोल देते हैं। जब हम इसी सोच पे कायम रहेंगे कि यार हमने कारोबार स्टार्ट नहीं करना, पता नहीं क्या होगा, चलेगा या नहीं चलेगा, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। कारोबार आपका शुरू शुरू में चलता है या नहीं चलता, आपका रेगुलर जाना लाजमी है, क्योंकि जब आप रेगुलर जाएंगे, दुकान खुली होगी, लोग देखेंगे आपको कि ये बंदा कारोबारी बंदा है या ये अच्छी दुकान है जो हर टाइम खुली रहती है। और जब आप एक दिन ऐसा आएगा कि बाज़ औक़ात आप जब काम शुरू करते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ता है और इनकम कम आ रही होती है, लेकिन चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता जब आपका कारोबार में इजाफा होता है तो फिर आप टाइम आपका शॉर्ट हो जाता है और इनकम जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है और फिर आपको कारोबार बड़ा करने के लिए फिर बड़ी शॉप लेनी पड़ती है। और वो सब कुछ जो होता है वो मेहनत से, कोशिश से और अल्लाह के फजल करम से होता है। और अगर हम ये सोचते रहे कि यार मैंने ये कारोबार शुरू करना है, पता नहीं चलेगा भी कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो इकबाल ने शेर बोला है, तंगियों और परेशानियों से ना घबरा है उकाब, ये तो आती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जब हम परेशानियों से घबरा कर बैठ जाएंगे तो हम परेशानियों का सामना कैसे करेंगे? परेशानियों को अपने ऊपर जब आप हैवी होने देते हैं तो तब ही आपकी परेशानियों में इजाफा होता है। जब आप इसको खत्म करेंगे, इसका मुकाबला करेंगे, इसको फेस करेंगे तो इंशाल्लाह वो परेशानी एक दिन खत्म हो जाएगी। कारोबार की बंदिश जो है, बाज़ औक़ात कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि पता नहीं दुकान में किसी ने कुछ जादू कर दिया है, तवीज़ डाल दिए हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमें अपने अमाल पर भी नज़र डालनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो बाज़ औक़ात कारोबार में बंदिश हमारे जो अमाल हैं उसकी वजह भी बनती है। बाज़ औक़ात काम जो नया नया स्टार्ट करते हैं उनका काम नहीं चलता, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उनका काम इतना बढ़ जाता है फिर उन्हें कारोबार के लिए नई जगह तलाश करनी पड़ती है। वही कारोबार होता है, वही जगह होती है, वही हमारा रब होता है जिसने रिज़्क देना है। तो सो मैं उन भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कोशिश करते हैं और कोशिश करने के बावजूद रिवार्ड की यकीन की उम्मीद नहीं रखते तो वो भाई कभी भी कारोबार में ज़िंदगी के किसी मुकाम पर कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कोशिश के साथ यकीन का होना लाजमी है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं इसका रिवार्ड आपको मिलके ही रहना है। अल्लाह ताला ने ये आपसे वादा किया है कि मैं रिज़्क का, आपके रिज़्क का ज़ामन हूं। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि आप मेहनत करें और अल्लाह ताला उसे रिवार्ड ना दें? इंशाल्लाह आप मेहनत करते रहे, रेगुलर जाएं, रेगुलर मेहनत करें, अपने कारोबार पर मशक्कत करें तो अल्लाह ताला आपके कारोबार को चार चांद लगा देंगे।
लेकिन अगर आप ये सोचते रहे कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, पता नहीं रिवार्ड मिलना है कि नहीं, फिर अल्लाह पे यकीन जो है वो आपका ख़त्म हो जाता है और फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता। सो मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो कारोबार नया स्टार्ट करते हैं, उनके लिए कोशिश, मेहनत और यकीन का होना लाजमी है, क्योंकि पहले दिन कारोबार आपका नहीं चलता, टाइम लगता है। ठीक है, तो जो भाई नया नया काम स्टार्ट करते हैं उनके लिए, उन्हें चाहिए कि वो रेगुलर जाएं, कारोबार को टाइम दें। जब कारोबार को वो टाइम देंगे, अपने काम के साथ वो मुखलस होंगे, तो इंशाल्लाह उनका काम भी उनके साथ मुखलस होगा और अल्लाह ताला भी उसका साथ देंगे। सो अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करते हैं। हमारे यहाँ हम लोग हड हरामी ये भरी हुई है कि बैठे रहेंगे और मशक्कत नहीं करेंगे और बाद में कहेंगे कि यार ये सब कुछ खुद हो जाएगा। आपको करना पड़ेगा, सब कुछ खुद नहीं होता, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी। सो मैं उन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो हिम्मत हार जाते हैं, हिम्मत ना हारे, सब कुछ मिलेगा लेकिन वक्त के साथ साथ, आहिस्ता आहिस्ता। जब आप मेहनत करेंगे उसका रिवार्ड आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलेगा, और अल्लाह ताला से रिवार्ड की उम्मीद लाजमी रखें। जब आप अच्छी उम्मीद रखेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरी उम्मीद रखेंगे तो आपको बुरा मिलेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे कारोबारी हजरात जो हैं वो कारोबार की वजह से परेशान है, या पहले पहले नया नया कारोबार स्टार्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि पता नहीं कारोबार का क्या होगा, वो मेरी इस वीडियो को देख के इंशाल्लाह अपने माइंड को ज़रूर तब्दील करेंगे और कोशिश जारी रखेंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर पसंद ना आई हो तो कमेंट करें ताकि मैं अपनी गलतियों को दूर करूं, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो उसको सब्सक्राइब करें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। इजाज़त तलब करता हूँ। अल्लाह